ठीक है, तुम राम मंदिर से शादी करने वाली है? तो हम बोले कि हाँ, हम राम मंदिर से प्यार करते हैं, हम उसी से शादी करेंगे। तो हमको इस सब हम बोले, आया को पूरा मारने लग गया, गंदा गंदा गाली देने लग गया, बाल पकड़ के पूरा घिसर के लेके गया, पूरा इधर मारे तो इधर गिर गया, अनाक से ब्लेड आने लगा। नाम ले जाके बेरहमी से हमको मारपीट करने लगा। बोलता है तुम बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था, और उसके बाद में जो है हमको कमर में लात से गोड़ पर लात धर करके इस पर पूरा हमको इसी में बहुत मार मारा, और उसके बाद हम जो गिर गए, गिरने के बाद में हम बेहोश हो गए। हम सुबह में गए 22 तारीख को, वहाँ गए थाना में, तो थाना में हमको ढूंढ के पूछ रहे हैं, लेके गए चाय पानी, तो कुछ नहीं हमको मिलने दिए, नहीं देने दिए, उठा कर फेंक दिए, और बोल रहे हैं खूब उल्टा पुल्टा गाली देने लगे। हमको मारता इतना मार ही रहा था कि हमारा बोली नहीं निकल रहा था, वहाँ के स्टाफ लोग भी देख रहे थे लोग, फिर भी कोई डर से बोल नहीं रहा था, ऐसा कोई कि कुछ बोले या छोड़ा दे। उसके बाद में जो है हमको ले जाकर हाजत में घुसा दिया, हाजत में घुसाने के बाद में हम 5 दिन तक हाजत में रखा। हाँ, ये कर रहे हैं लोग, हमारे सीनियर अफसर लोग जांच कर रहे हैं उसका। हम तो साहेबगंज आ गए हैं निलंबित होकर। हाँ, आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं सर कि वही लोग बताएंगे। अच्छा अच्छा, हमने पक्ष जो है अपना जांच पदाधिकारी को बता दिया है सर। मिन्हाज अंसारी को काफी पीटने के बाद हरीश पाठक उसको धनबाद मेडिकल ले आया, उसे रांची मेडिकल भी ले आया, और रांची मेडिकल में आने के बाद उसे मृत घोषित किया गया, जबकि बात यह थी कि धनबाद मेडिकल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हरीश पाठक का बेल हाईकोर्ट में 2-2 बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वह किसी न किसी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज बना रहता है। मंत्री को पत्र लिखा उसी पर, उन्होंने कहा कि भाई जो मौत थाना में एक वैसा व्यक्ति को आपने पदस्थापित कर रखे है, जिसके ऊपर बकोरिया में जो कांड हुआ था फर्जी इनकाउंटर, तो उसमें भी पुलिस ने इनको गवाह हुआ बनाया था, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन ये व्यक्ति वहां भी थे। फिर आपको ध्यान में होगा जामताड़ा में एक मुस्लिम लड़का था, उसको भी मारा था, वो कस्टडी में मर गया था। तब फिर मैंने तब मुख्यमंत्री को हमने कहा कि जिसके ऊपर पहले ही सस्पेक्ट हो, जिस व्यक्ति के ऊपर पहले ही कई आरोप लगे हो,